गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है बहुत ही पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट ये 1930s के ज़माने का कंपनी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कंपनी 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये पहले टाटा ग्रुप का कंपनी था, लेकिन अब उसके बाद जो अलाना ग्रुप है वो इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी है, कहाँ आप लोग। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये कोई पेनी नहीं है, ये स्मॉल कैप में आता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी, क्या उसका टारगेट निकल के आ रहा है, कहाँ आप लोग बेस्ट एंट्री कर सकते हो। चार्ट के माध्यम से सब कुछ देख लेते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो वो कहाँ पर आप लोग होल्ड कर सकते हो, मतलब कितनी देर तक। सॉरी गाइस, वो तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा था। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्या ये कंपनी इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो एक बार देख लेते हैं। और हाँ गाइस, आज जो टाटा मोटर्स के साथ हुआ ना वो बहुत ही बुरा हुआ, मतलब फुल टाटा मोटर्स क्रैश हो गया। उसके बाद अब क्या करना है टाटा मोटर्स के, अगर ये आप लोगों को जानना है तो मेरे चैनल में चेक कर सकते हो। मैंने कुछ ही देर पहले एक टाटा मोटर्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है कि आगे फ्यूचर मूव्स क्या होने वाला है टाटा मोटर्स के ऊपर, और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, और कहाँ अगर आप लोग टाटा मोटर्स को बाय करना चाहते हो तो क्या उसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट निकल के आता है, और क्या आप लोग स्विंग ट्रेडिंग की तरफ से ऐसे यूज़ करते हो और यूज़ कर सकते हो उस स्टॉक को अभी भी, और जो लोग ऊपर के लेवल्स में फंस गए हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। टाटा मोटर्स के ऊपर पूरा एक ब्रीफ वीडियो बनाया हुआ है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो मेरे चैनल में। तो जैसे आप लोग देख सकते हो ये IVP लिमिटेड 1D काइनेसी का चार्ट खुला हुआ है। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1% डाउन था। आज ये स्टॉक अगर आज तो मार्केट का हालत सबको पता ही है कि लास्ट में बहुत ही एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। सुबह से ऑलमोस्ट 1 बजे तक आज मार्केट एक बुलिश था, लेकिन उसके बाद 1 बजे से बाद मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स गिर रहा था और एक बियरिश मार्केट की तरफ वो क्लोजिंग हुआ है, मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ वो क्लोज हुआ है। ट्रेंड अभी फॉर्म नहीं हुआ है लेकिन एक नेगेटिव में क्लोज हुआ है मार्केट। तो चलिए इम्पोर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं स्टॉक की। अगर मुझे पर्सनली लगता है अगर आज का जो ये चीज़ नहीं होता तो अगर ये स्टॉक इस जो रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है वो निकल कर आता है 133 के अराउंड, ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता और जो लोग एंट्री करना बेस्ट एंट्री पॉइंट रहता वो 133 के आसपास, तो 150 तक की लेवल्स के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते थे। उसके बाद अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो निकल के आता है 165 के आसपास। अब मार्केट में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है रिकवर हो सकता है मार्केट, क्योंकि इतना ड्रास्टिक चेंज जब भी आता है तब भी एक ड्रास्टिक मूव ऊपर की तरफ आता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं आता है लेकिन एक आता है, क्योंकि जो एंटर करने के लिए सोच रहे थे वो सभी इस लो पॉइंट में एंट्री कर जाएंगे। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो वेट करेंगे लेकिन एंट्री कर जाएंगे, नीचे के लेवल्स में वो लोग एंट्री करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर ये स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रही तो ये नीचे 113 रुपये के लेवल्स तक ये कंपनी आराम से आप लोगों को दिखा सकती है। 113 रुपये के लेवल में ये कंपनी आ सकती है, मतलब क्लोजिंग नहीं होगा, टच होकर निकल जाएगा डेली बेसिस में भी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग कभी भी नहीं हुआ 113 रुपये में, लेकिन टच हुआ निकल गया। कितने बार टच हुआ आप लोग देख सकते हो, अगर कोई एंट्री करना चाहता था 113 रुपीज़ के 14 रुपीज़ के आसपास, तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ऑलमोस्ट नौ बार उसे मौका मिला था एंटर करने के लिए। ऐसे ही अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ऐसे ही हो सकता है। और एक चीज़ आप बाउंस बैक के टाइम एंटर करना, अगर ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं तो बाउंस बैक ऑलमोस्ट हुआ था इस पॉइंट पे, ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ था वहाँ पर ये बाउंस बैक देखने को मिला था, वहाँ पर आप लोग बाय करके चल सकते हो। और अगर इसके जो लेवल्स के बारे में बात करें, अगर आप लोगों को इसके अराउंड मिल जाता है तो मतलब इसके ऊपर जो मिल जाता है तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, उसके बाद यहाँ तक होल्ड करना। ये अभी मैंने तो लेवल्स बता दिए, आप देख लेते हैं फंडामेंटली कंपनी कैसे और डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आता है स्टॉक में। ये हम लोग आ गए NSE के वेबसाइट में, ये रहा IVP लिमिटेड, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक निफ्टी फार्मा कंपनी के अंदर सेक्टोरियल इंडेक्स के अंडर लिस्टेड है। तो इसका जो हाई था आज 136 रुपये के आसपास निकल के आता है, जो 52 वीक हाई है वो निकल कर आता है अराउंड 165.4 के आसपास, 52 वीक लो में 36, ऑलमोस्ट ये एक साल में
100 से भी ज़्यादा, एक सेकंड कैलकुलेट करके बताता हूँ एक साल में कितना रिटर्न देके गया है ये कंपनी। ऑलमोस्ट ये कंपनी 350% रिटर्न देके जा रहा है ये कंपनी। तो मतलब यहाँ से आप लोग पता लगा सकते हो कि ये कंपनी अच्छा हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और एक चीज़ नोटिस करोगे, इसका जो ये रिटर्न है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साल के अंदर दिया, मतलब ऑलमोस्ट एक साल 12 मास टाइम लिया है ये रिटर्न देने के लिए, क्योंकि इसका जो हाई है वो निकल कर आ रहा है अराउंड जून के महीने में 2021 में, और इसका जो लो वो भी अराउंड जुलाई के महीने में। मतलब एक साल पकड़ के चल सकते हो आप लोग। आज ट्रेड हुआ है ओनली 6849 क्वांटिटी, उसमें उसका वैल्यू निकल कर आता है 8.97 लाख। आप लोग वहाँ लॉक पकड़ के चल सकते हो। तो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 75.76%। इट्स नॉट ए बैड क्वांटिटी, नॉट क्या, मतलब बहुत ही एक अच्छी क्वांटिटी निकल कर आता है। लेकिन स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ही कम है, जो पेंडिंग क्वांटिटी है वो है 10 ऑर्डर प्लेस्ड है 128.55 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में। चलिए कंपनी का बस सब फंड प्रॉफिट बैलेंस शीट वो सब भी चेक कर लेते हैं कंपनी का। जैसे कि आप लोग हम मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि वेजिटेबल ऑयल ये सब फॉर्म करती है, मतलब बिजनेस इसका ही वही है। तो मार्केट कैप निकल करता है 133 करोड़ के आसपास, ROCE 7.40, ROE 6.1 के आसपास देती है, बुक वैल्यू 73, बुक वैल्यू से हाई में ट्रेड करे। एंड इस कंपनी इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नियर इट 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। तो डिविडेंड देती है कंपनी 0.78% की। तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी का। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए गुड क्वार्टर, मुझे लगता है पर्सनली अगर मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है तो ये जून अगर हो गया है, मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट आउट हो गया तो ये जून के बारे में है। तो लो इंटरेस्ट कवरेज, हाई डिविडेंड, ये उतना कुछ खास नहीं है। तो देख लेते हैं मार्च का, हाँ मतलब वो जून का ही था, मार्च में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है कंपनी में। लेकिन जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उसमें एक थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन 1 करोड़ के आसपास लॉस हुआ है, मतलब कम हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ है, कम हुआ है पिछले क्वार्टर से, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था इस साल ये क्वार्टर में। सेल में इंक्रीज़ हुआ है लेकिन एक्सपेंसेस में भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है आप लोगों को। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में एक अच्छा खासा जाम देखने को मिला है आपको, लेकिन जो क्वार्टरली बेसिस है उसमें कम हुआ है। कंपनी के पास हाई बोरोइंग्स है, एक आप लोग अगर देख सकते हो तो रिजर्व ओनली 65 करोड़ का है, लेकिन बोरोइंग्स ऑलमोस्ट डबल है। कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लो सिर्फ 1 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास, जिसके मैंने बताया था कि लिक्विडिटी बहुत ही कम है कंपनी के पास। प्रोमोटर्स होल्डिंग, ये एक अच्छी बात है, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है मार्च क्वार्टर में। बाकी FIIs DIIs का भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो पब्लिक में देख लेते हैं किस उसका पैसा लगा हुआ है। पब्लिक से माल उठाया जा रहा है ऑलमोस्ट 25% के आसपास, पब्लिक का माल 23% के आसपास जो नॉर्मल रिटेलर का पैसा है वो लगा हुआ है स्टॉक में। तो आप लोग एक अच्छी स्टॉक इससे पकड़ के चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो अगर ये कंपनी अपना एक्सपेंसेस कम कर देती है तो बहुत ही एक अच्छी कंपनी बन सकती है ये कंपनी, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑर्गेनिक। अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे, पहले 2 साल पहले जाओ 2019 में कोई ऑर्गेनिक के बारे में इतना कुछ पूछता ही नहीं था, लेकिन आज तो ऑर्गेनिक खाना एक फैशन हो गया है। ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करता हूँ, ऑर्गेनिक चीज़, ये तक कि होली में जो कलर्स यूज़ होता है वो भी ऑर्गेनिक निकलने शुरू हो गए, मतलब ऑर्गेनिक एक फैशन हो गया, लोगों को समझ में आए ना है, लेकिन ऑर्गेनिक यूज़ करता हूँ, ये एक ब्रांड हो गया है, ऐसे एप्पल की तरह, एप्पल के जो फ़ोन्स हैं उनके तरह। जो लोग नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है एप्पल के फ़ोन यूज़ करने का, लेकिन वो एक ब्रांड हो गया है, फैशन, वो काम से ज़्यादा फैशन स्टेटमेंट हो गया है। इसलिए अगर ऐसे इमोशनली देखते हो तो कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल फंडामेंटली बोलता हूँ, देखता हूँ, तो अगर कंपनी करती है तो अगर कंपनी ये करती है तो वैसे तो बहुत कुछ, अगर करती है कंपनी तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं एकदम जो सिर्फ रिजल्ट बता रहा है उससे बताऊँ तो 5 out of 10 है फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर कंपनी अपनी एक्सपेंसेस कम करती है तो कंपनी बहुत ही एक मल्टीपल रिटर्न देके जा सकती है। अगर करती है लेकिन नहीं करती है तो करने को तो कंपनी बहुत कुछ कर सकती है, अपने डेब जो है वो प्रॉफिट से चुका सकती है, करने के लिए तो बहुत कुछ है। प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर सकती है फिर से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि
एक सेकेंड, सॉरी गाइस, एक चीज़ मैंने गलत बताया आप लोगों को, FII इसका कोई होल्डिंग नहीं है, जो DII इसका होल्डिंग है और गवर्नमेंट का होल्डिंग है, गवर्नमेंट का होल्डिंग है, और DIS ने अपनी होल्डिंग कम करती आ रही है पिछले लगातार कुछ क्वार्टर में से, आप लोग देख सकते हो जून 2020 से। सॉरी गाइस, ये गवर्नमेंट का था ये, सॉरी मैंने देखा नहीं लेफ्ट साइड का, मुझे लगा कि ऊपर वाला FII और नीचे वाला DII होगा, सॉरी गाइस। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कंपनी बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल भी है कंपनी, बड़े बड़े कंपनी लॉस देकर जा रही है लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है क्यों इन्वेस्ट करना है उस ऐसे कंपनी में, इन्वेस्ट छोड़ दो, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कमी नहीं है, जितना अगर रैंडम कोई वर्ड आप लोग सर्च करो, अगर आप लोग आपस्टॉक्स यूज़ करते हो, ज़ीरोधा यूज़ करते हो, या तो फिर ट्रेडिंग व्यू में जस्ट सिर्फ ट्रेड्स देखते हो, तो एक अपना जो इनिशियल्स है नेम का, जैसे कि मेरा चैनल का नेम है ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग जोन, तो मेरा इनिशियल्स हुआ TZ, तो TZ मार्क का देखना कितने सारे स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। वैसे मतलब स्टॉक्स की कमी नहीं है, तो बेटर अवॉइड इट फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स इंक्रीज़ किया, मतलब प्रोमोटर्स का भरोसा है अपनी कंपनी में, लेकिन मेरा नहीं है इस कंपनी में भरोसा, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है, अगर कम करती तो ठीक है, तब मैं अपडेट कर दूंगा अगर एक्सपेंसेस नेक्स्ट क्वार्टर में कम आती है तो, और अगर एक्सपेंसेस कम होता है तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, कोरोना काल में प्लीज़ सेफ रहना, घर में रहना, जितना हो सके घर में रहना और सेफ रहना गाइस, क्योंकि पैसा तो कभी भी बन सकता है, लेकिन अगर हेल्थ बिगड़ गया तो बहुत बड़ी प्राइस जाएगा उसके लिए, क्या पता, मतलब छोड़ दो गाइस, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाय गाइस, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग, और जितना हो सके भाई सेफ रहना, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स का अभी मैसेज आ रहा है कि भाई मेरा कोरोना पॉजिटिव हो गया, होल्डिंग्स क्या करें, बेच दे या तो फिर होल्ड करके रखे, जब तक कोरोना से ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आएंगे तब तक देखेंगे कि वो स्टॉक मुझे लॉस देके जा रहे हैं, मैं स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके घर में रहना गाइस, पैसा कभी भी बन सकता है, लेकिन गाइस अगर आपको कुछ हो जाता है ना तो नहीं गाइस, जितना हो सके घर में रहना। बाय गाइस एंड थैंक यू।